हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। राष्ट्र आय सहमेगा छात्रवृत्ति के तहत आपको सालाना 12,000 रुपए की राशि यहाँ पर जो दी जाती है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन को जारी किया गया है कि कब से यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर जो कौन कौन लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन करने के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम अगर आप यहाँ पर टेस्ट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपको हर साल यहाँ पर जो है 12,000 रुपए की यहाँ पर जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, और इसी को यहाँ पर जो बोला जाता है राष्ट्र आय सहमेगा छात्रवृत्ति, जिसके लिए यहाँ पर जो हर साल यहाँ पर आवेदन लिया जाता है। और काफी सारे बच्चे यहाँ पर इनका लाभ ले रहे हैं ऑलरेडी। और इनके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं इस पेज का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनमें आपको यहाँ पर पूरी चीज यहाँ पर दी गई कि क्यों यहाँ पर यह स्कीम चलाया जाता है, जिनमें देख पा रहे कि हर साल आप लोगों को 12,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। इसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पर आपको इस पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कब से लिया जाएगा, कौन कौन लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कब से आपका एग्जाम होगा, सब कुछ हम आपके स्टूडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। ताकि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आपके यहाँ पर न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से दिखा पा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर एक अपडेट निकल करके आ रही है, जिनमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि आय सहमेगा छात्रवृत्ति को आवेदन 12 अक्टूबर से, यानी कि राष्ट्र आय सहमेगा छात्रवृत्ति के लिए आप लोग यहाँ पर 12 अक्टूबर से यहाँ पर जो है इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन कैसे करना है, इनमें आपको कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम लिए जाएंगे, वो सारी चीज आपके यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि राष्ट्र आय सहमेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, इनके लिए आपको एग्जाम देना होता है, यानी कि जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उनके बाद आपके यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, इनके टेस्ट एग्जाम आपको लेगा। इसे यहाँ पर NMMSSB यहाँ पर जो बोला जाता है। सत्र 2023-24 के लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक यहाँ पर जो कर सकेंगे, यानी कि इसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 2023-24 सत्र के लिए आप लोग यहाँ पर 12 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक आप लोग यहाँ पर जो कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया कि सरकारी स्कूल के 8वीं के विद्यार्थी इसमें यहाँ पर जो शामिल होंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर 8वीं के छात्र हैं, 8वीं के स्टूडेंट हैं, तो ही आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 8वीं से लेकर के आपको 12वीं तक, यानी कि इंटर तक आप लोगों को यहाँ पर जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हर साल आप लोगों को 12,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए यहां पर स्कूलों में यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहां पर बताया गया कि SCERT 9 से यहां पर 18 नवंबर तक ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करेगा, जिनमें यहां पर 18 दिसंबर को लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आप यहां पर आवेदन करेंगे तो इनका डेट भी यहां पर बता दिया गया कि कब से आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा, आप लोगों का लिखित एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि 18 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम होगा। यहां पर 23 दिसंबर को यानी कि ओपेंडिक आंसर की यहां पर जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 23 दिसंबर को आप लोगों का रिजल्ट भी यहां पर जो घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा यहां पर 2 पालियों में आपको लिया जाएगा टेस्ट एग्जाम, और यहां पर 90 मिनट के यहां पर आपको यहां पर समय दी जाएगी, और यहां पर द्वितीय में 90 मिनट के यहां पर शैक्षिक योग्यता परीक्षा यहां पर होगी। दोनों ही परीक्षाओं में 90-90 अंकों के 90 प्रश्न यहां पर जब पूछे जाएंगे, यानी कि आपका जो प्रश्न रहेगा वो यहां पर 90 रहेगा, और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप ही के सिलेबस से यहां पर रहेगा, कोई यहां पर बाहर से नहीं रहने वाला है। उनके बाद यहां पर बताया गया कि मानसिक योग्यता जैसे कि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, इन्हीं सबसे आप लोगों यहां पर जब प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के जरिए 9वीं से 12वीं तक सालाना 12,000 छात्रवृत्ति यहां पर जो दी जाएगी। तो आप लोग यहां पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि 8वीं से आप लोग यहां पर आवेदन करेंगे तो आप लोगों को 9वीं से लेकर के 12वीं तक आप लोगों को सालाना 12,000 रुपए यहां पर जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उनके बाद यहां पर देखिए बिहार का जो कोटा बताया गया कि 5,433 यहां पर जो बिहार का कोटा यहां पर निकल करके आ रहा है। अब यहां पर 3.5 लाख पारिवारिक आमदनी वाले छात्र को भी इनमें यहां पर शामिल होंगे। इनके लिए छात्र के माता पिता का आय प्रमाण पत्र भी यहां पर देना होगा, यानी कि आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी यहां पर आप लोगों को देना होगा। अगर आप यहां पर 3.5 लाख यहां पर पारिवारिक यानी कि आमदनी आय है तो भी आप लोग यहां पर जो आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहां पर देश भर से 1 लाख विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें यहां पर बिहार का कोटा जो है वो 5,433 है। अगर आप भी राष्ट्र आय सहमेगा छात्रवृत्ति के लिए यहां पर एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि टेस्ट परीक्षा के लिए देना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इनकी वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इनका पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। आप इनको एक बार अच्छी तरीके से रीड करके जरूर जानकारी ले लेंगे, जिससे कि आपको यहां पर इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। नीचे आएंगे तो आपको यहां पर इनका देखिए कि निर्देश यहां पर दिया गया, आप इनको PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। उन्हीं के नीचे देखेंगे तो यहां पर देखिए दिया गया है NMMSS के लिए आवेदन करने या अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना। अब यहां पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहां पर आपको देखिए वेबसाइट यहां पर रिडायरेक्ट कर देगा scholarship.gov.in पर। तो दोस्तों यहीं पर आप लोग यहां पर जो आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी यहां पर इनका पोर्टल देखेंगे तो यहां पर जो सर्वर यहां पर मेंटेनेंस में जा चुका है, यानी कि अभी यहां पर इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहां पर साइट का जो बिजी यानी कि एरर आ रहा है, तो आगे जाकर के आप इसी से यहीं से आप लोग यहां पर जो आवेदन कर सकते हैं।
बाकी अगर आपको सुविधा है तो आप अपने नजदीकी साइबर कैफे व कहीं पर भी जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।